रॉबिन या कहूँ रॉबिन्स, क्योंकि ये एक से ज़्यादा लोग हैं जिन्हें बैटमैन अपना सन कहता है। उन्हें देखकर वो प्राइड फील करता है कि ये उसका सक्सेस है। पर इन्हीं सक्सेस के बीच बैटमैन की नज़रों में एक फेलियर भी है। वो है सेकेंड रॉबिन जेसन टॉड, जो गॉथम का सबसे वॉयलेंट एंटी हीरो रेडहुड बन गया। पर आखिर ऐसा क्या हुआ, इसके पीछे का कारण क्या था? हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमिक्सोपीडिया। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बैटमैन के दूसरे रॉबिन जेसन टॉड के ओरिजिन से लेकर उसके रॉबिन बनने तक और रॉबिन से लेकर विलन रेडहुड बनने तक के बारे में। अब हम यहाँ ये बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाले कि बैटमैन इतना मैच्योर, इतना समझदार होकर टीनेजर्स को एज अ साइड किक क्यों लेता है। ऑब्वियसली क्योंकि कॉमिक्स अपने शुरुआती दिनों में टीन्स के बीच काफ़ी पॉपुलर थी और आज भी है, जिसे ध्यान में रखते हुए उस समय हर पॉपुलर सुपर हीरोज़ के टीनेजर साइड किक्स हुआ करते थे। इसी एरा में बैटमैन को पहला रॉबिन मिला, डिक ग्रेसन, जो लीडरशिप में खुद के डिसीजंस लेने में ब्रूस की ही तरह था। इसलिए वो आगे जाकर बना नाइटविंग और टीन टाइटन्स नाम के टीनेज सुपर हीरो टीम को लीड भी किया। दूसरी तरफ बैटमैन के पास रॉबिन मिसिंग था। एक मिशन के दौरान बैटमैन नोटिस करता है कि कोई उसके बैट मोबाइल्स के दो टायर चुरा ले गया और बाकी बचे टायर्स वो लेने आया ही था कि वो पकड़ा गया। एक टीनेजर जिसके पिता सारी उम्र जेल में ही थे और माँ नहीं थी, ऐसे टाइम वो छोटी मोटी चोरी करता था और आज शायद उसे बहुत बड़ा हाथ लगा था बैट मोबाइल के टायर्स, जिसके बहुत ज़्यादा दाम मिलने वाले थे। पर बैटमैन को उसे देखकर तरस आ जाता है और ये जानने के बाद कि वो अनाथ है, वो उसे अपने साथ वेन मैंसन ले आता है, उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करता है, उसे ट्रेन करता है और अल्टीमेटली उसे रॉबिन बनाता है, जिसे अब तक के सबसे बेस्ट रॉबिन डिक ग्रेसन के फुटस्टेप्स पर चलना था। पर ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे जेसन टॉड बड़ा होने लगता है, उसके बचपन में सड़कों पर बिताए पल, उसका पास्ट अब धीरे धीरे उस पर हावी होने लगता है। सालों की साथ साथ फाइट करने के बाद जेसन टॉड अब ज़्यादा वायलेंट होने लगा था, वो ज़्यादा गुस्सैल और चिड़चिड़ा होने लगा था। कई बार फील्ड पर बैटमैन के ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाकर भी वो क्रिमिनल्स को पीटने लगा था, पर बैटमैन फिर भी उसे साथ रखता था इस उम्मीद में कि शायद जेसन टॉड बदल जाएगा, वो इसे रिफॉर्म कर सकेगा। और फिर एक दिन वो हुआ जिसने जेसन के साथ साथ बैटमैन की भी ज़िंदगी बदल दी। एक फाइट के दौरान बैटमैन और रॉबिन कुछ देर के लिए सेपरेट हो जाते हैं, जहां मौका देखकर जोकर जेसन को किडनैप कर लेता है और एक सुनसान जगह ले जाता है और उसे बहुत ज़्यादा फिजिकली, मेंटली कई कई दिनों तक टॉर्चर करता है और लास्ट में एक क्रोबार को यूज़ करके उसे पीट पीट कर अधमरा कर देता है। लास्ट में एक बॉम्ब लगाकर वो भाग जाता है। जब तक बैटमैन वहां पहुंचता है, तब तक बॉम्ब फट चुका था और सेकेंड रॉबिन की डेथ हो जाती है। पर जैसा कि हम सबको पता है, कॉमिक्स में कोई नहीं मरता और ख़ासकर पॉपुलर कैरेक्टर्स तो बिल्कुल भी नहीं। तो रेजा गुल, जो कि बैटमैन का दुश्मन है और जिसकी बेटी टालिया गुल बैटमैन की वाइफ रह चुकी है, वे जेसन की बॉडी को उठा ले जाते हैं और लेजरस पिट में डाल देते हैं। लेजरस पिट छोटे तालाब की तरह है जिसमें बहुत पावर्स है। इसकी हेल्प से ही रेजा गुल सालों सालों तक यंग दिखता है। इस पिट में जाने के बाद कोई भी इंजरी, किसी भी तरह का मार्क गायब हो जाता है और इसी पिट में जेसन को भी डाला जाता है। पर जो बाहर आता है वो जेसन पहले से कहीं ज़्यादा डेंजरस और वायलेंट हो चुका था। लेजरस पिट को हम CW के एरोवर्स में भी बहुत बार देख चुके हैं, जहाँ इसके बारे में कहा जाता है कि लेजरस पिट में जाके आने वालों के सोल खत्म हो जाते हैं। तो पिट से निकलकर जेसन हर किसी पर अटैक करता है और वहाँ से भाग जाता है। और जब वो वापस गोथम लौटता है तो एक रेड मास्क लगाता है और खुद को रेडहुड कहता है। मैं ये क्लियर कर दूँ कि रेडहुड जेसन के साथ लगा यूनिक टैग नहीं है। रेडहुड मतलब जो कि रेड मास्क पहनता हो, और ऐसे बहुत से विलन DC में रह चुके हैं। इवन जोकर भी जिस रात केमिकल टैंक में गिरा था, उस रात उसने भी रेडहुड पहना था। तो जेसन अब एक नए वर्जन का रेडहुड बन चुका था और ये रेडहुड सारे ड्रग लॉर्ड्स को मार देता है और सिटी का नया क्राइम लॉर्ड बन जाता है। वो क्राइम की दुनिया में और बड़ा नाम बनता जाता है, जिसके पीछे बस एक ही मकसद था, ताकि वो जोकर तक पहुंच सके और उसे मार सके। तो सारी स्टोरी में पुराने DC कॉमिक्स और अंडर द रेडहुड एनिमेशन मूवी के बेस्ट पर बता रहा हूँ।
पर न्यू 52 में इसे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था, जहां रेजा गुल की डॉटर टालिया गुल जेसन टॉड को पिट में डालती है, इसे ट्रेन करती है और बैटमैन के खिलाफ भड़काती है, पर मेजर स्टोरी आर्क ऑब्वियसली सब में सेम है। तो आखिर एक ऐसा समय आता है जब बैटमैन, जोकर और जेसन टॉड एज अ रेडहुड एक साथ होते हैं। तब जेसन ब्रूस को यही पूछता है कि मैं तुम्हें देर से आने के कारण, मुझे ना बचा पाने के कारण को लेकर मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, पर अगर मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम मुझे अपना सन कहते हो, तो मुझे ये बताओ कि मुझे मारने वाला इंसान अब तक जिंदा क्यों है। जिस पर बैटमैन बताता है कि अगर उसने जोकर को मार दिया तो वो ऐसे रास्ते पर चला जाएगा जहाँ से वो फिर कभी वापस नहीं आ पाएगा, यानी जो जोकर चाहता है वो हो जाएगा। कुछ देर की फाइट्स के बाद एक ब्लास्ट होता है जिसमें रेडहुड वहां से गायब हो जाता है, पर जोकर बच जाता है। आपको बैटमैन वर्सेस सुपरमैन तो याद ही होगा, जहां हमें रॉबिन का कॉस्ट्यूम बैटकेव में दिखा था, जिस पर लिखा था जोक्स ऑन यू बैटमैन, जिसका मतलब भी यही था कि स्नाइडर यूनिवर्स में भी जेसन टॉड एग्जिस्ट करता है, जो ब्रूस के लिए रिमाइंडर था जोकर की ओर से। सेकेंड, डीसी टाइटन सीजन 2 से ही जेसन के रेड हुड स्टोरी लाइन को बिल्डअप किया जा रहा है, और सीजन 3 के ट्रेलर में ये कंफर्म हो चुका है कि जेसन टॉड एज अ रेड हुड हमें दिखने वाला है। तो वेट करते हैं इस सीजन का और इस रेड हुड का। आगे कॉमिक्स में इस करेक्टर पर बहुत काम किया गया, जिसमें जेसन को सॉर्ट ऑफ एंटी हीरो दिखाया गया है, जहां उसके रिश्ते बैट फैमिली से अब ठीक हैं, कभी कभी वो टीम अप भी करते हैं, पर जेसन के तरीकों से, जेसन के वॉयलेंट होने से उन्हें हमेशा प्रॉब्लम रहती है। जेसन अपने तरीके से क्राइम फाइटिंग करता है और उसने अपने जैसों की एक टीम भी बनाई है जो है आउटलॉज। जेसन टॉड एज अ रेड हुड एक अमेजिंग कैरेक्टर है, जिसके ओरिजिन के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप अंडर द रेड हुड मूवी देख सकते हैं, अ डेथ इन द फैमिली पढ़ सकते हैं और अंडर द रेड हुड कॉमिक्स पढ़ सकते हैं। जेसन टॉड परफेक्ट रॉबिन कभी नहीं था, बैटमैन ने ही उसे ट्रेन किया था ये सोचकर कि वो नेक्स्ट बैटमैन बनेगा, पर जेसन टॉड और बैटमैन के लिए जस्टिस का डेफिनेशन बिल्कुल ही अलग है। उसे बैटमैन के ठीक ऑपोजिट क्रिमिनल्स की जान तक लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए ये कैरेक्टर और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो ये थी जेसन टॉड की रॉबिन से लेकर रेड हुड बनने तक की कहानी। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माय नेम इज गुलशन एंड यू आर वॉचिंग कॉमिक्सोपीडिया। सी यू अगैन।